इमेजिन करो कि तुम अपने पार्टनर के साथ रात में घूम रहे हो, तभी तुम्हें एक बेंच दिखती है एंड तुम वहाँ पे जाके बैठ जाते हो। तुम अपने पार्टनर से बहुत सारी बातें करते हो, लाइक फ्यूचर प्लानिंग हो गई और भी मतलब बहुत सारी जो पर्सनल बातें होते हैं कपल्स की वो कर रहे हो। देन अचानक से तुम्हारे पास एक स्ट्रेंजर आ जाता है, लाइक वो फेसलेस होता है एंड वो तुम्हारे पार्टनर के पास आ जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है। देन वो तुम्हारे पार्टनर का मर्डर कर देता है। द हुकमैन, जो कि एक बहुत पॉपुलर अर्बन लेजेंड था या तुम सीरियल किलर भी कह सकते हो। द हुकमैन के फीचर्स थे कि वो फेसलेस था एंड उसकी एक बहुत बड़ी हैट थी जिससे उसका फेस और हाइड हो जाता था। और उसके फीचर्स ये थे कि उसने रेनकोट्स वगैरह पहन रखे थे, जो रेनी कोट होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो पहनता था। एंड उसके हाथ में एक हुक रहता था, लाइक जो पायरेट होते हैं उनके तरह उसका एक क्वेश्चन मार्क जैसा एक हुक रहता था बड़ा सा। हुकमैन स्टार्ट होता है बेसिकली एक यंग कपल से, लाइक हम इमेजिन कर लेते हैं जो मैन है वो बिली है एंड जो जूली है वो एक गर्ल है। बिली के पेरेंट्स कहीं बाहर गए होते हैं, देन बिली कॉल करता है जूली को और बोलता है कि मेरे पेरेंट्स आज घर पे नहीं है तो हम कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। देन बिली रात को जूली के घर चला जाता है उसे लेने एंड वो उसे पिक करता है। देन पिक करके वो निकल जाता है कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए, लाइक वो अपना घूम रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं अपनी कार में। देन क्या होता है कि बिली को ना पी आती है एंड बिली ऑफकोर्स एक जंगल में गाड़ी रोक देता है एंड जूली बोर हो जाती है तो जूली ना एक रेडियो प्ले कर लेती है अपने कार में। देन रेडियो में सॉन्ग सुन रही होती है तभी एक न्यूज़ आ जाती है कि उस शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है और उसके हाथ में एक हुक है। देन जूली ऑफकोर्स डर जाती है, तभी बिली आ जाता है एंड जूली बिली से कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ पे सेफ नहीं है, यहाँ पे एक सीरियल किलर घूम रहा है। तो बिली भी इस माहौल में क्या ही करता, तो वो बिली क्या होता है कि बिली कार स्टार्ट करता है और वो वहाँ से चल मतलब दोनों चले जाते हैं। देन फिर बिली एक सॉन्ग प्ले कर देता है, थोड़े रोमांटिक से सॉन्ग प्ले कर देता है, तभी माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड थोड़ा माहौल जब कूल डाउन हो जाता है तो वो जूली को घर छोड़ने जाता है। देन वो जब जूली को घर पर ड्रॉप कर रहा होता है तभी वो बिली कार से निकलता है एंड वो देखता है कि जूली के जो हैंडल होता है कार का उस पर एक हुक लगा हुआ था। हुकमैन था वो उस टाइम पर बिली और जूली को मारने आया था। बेसिकली हुकमैन इनोसेंट पीपल्स को मारता है एंड जो रात को कपल्स घूमते हैं उन पे हमला करता है, उनका मर्डर कर देता है। फ्रेंड्स आज भी हुकमैन की पूरी स्टोरी पता लगाने की कोशिश करते हैं। मिथिकल स्टोरी ये है कि ये अर्बन लेजेंड 1950 से स्टार्ट होके 1960 तक एंड हो गया था एंड इसने इस बीच बहुत सारे कपल्स के मर्डर करे थे जो रात में निकलते थे ज़्यादातर। कहते हैं जो एक फेमस मर्डर था 1946 का, टेक्सर काना मर्डर केस, वो इस अर्बन लेजेंड से लिंक्ड था। इस अर्बन लेजेंड को बहुत सी मूवीज़ में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि 1997 में एक हॉरर फिल्म आई थी आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। इस मूवी में दिखाया गया था जो करेक्टर था, जो मेन करेक्टर था, वो उसके हाथ में भी एक हुक था एंड वो मर्डर करता था टीनेजर्स का। यही एक और मूवी आई थी 1999 में लवर्स लेन करके, इसमें भी जो करेक्टर होता है वो भी मर्डर कर देता है टीनेजर्स का। एंड एक पॉपुलर टीवी शो था जिसका नाम था सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल में बेसिकली जो 7th एपिसोड था उसमें ये दिखाया गया था कि एक पर्सन है जिसके हैंड में हुक है, वो भी एक कपल्स का मर्डर करता है। आप देख सकते हैं अगर यूट्यूब पे हो तो। सो ये थी एक पॉपुलर अर्बन लेजेंड या सीरियल किलर की एक ट्रू स्टोरी। अगर ऐसे ही ट्रू क्राइम्स या हॉरर वीडियोज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट थ्रिल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।